अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद सुलेमान और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे जो है मैं आपको अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर के जो है एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूँ 9 क्लास के इंग्लिश के। वो बच्चे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको तमाम गेस्ट पेपर का सोल्यूशन मिल सके। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, आफ्टर 8 डेज जर्नी द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टॉप एट अ प्लेस कॉल्ड डैश। तो इसके अंदर जो है आपके पास राइट आंसर जो है कुबा, आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 2 की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर या सिर्फ मदीना ऑन डैश, तो आपके पास जो है राइट आंसर जो है लास्ट ऑप्शन है 2 जुलाई 622। आगे हम थर्ड एमसीक्यू की बात करें, द ओनली कॉलेज वेयर जमील कुड गो इज इन द सिटी डैश, तो 50 माइल अवे, आपके पास जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। और एमसीक्यूज की हम लोग बात करते हैं, वी गेट एजुकेशन फॉर डैश तो इंप्रूविंग अवर सेल्फ, हमारे पास जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आपके पास 5 एमसीक्यूज है, अलामा इकबाल बिगन हिज प्रोफेशनल कैरियर एज अ प्रोफेसर ऑफ डैश, तो इसके अंदर जो आपके पास राइट आंसर है वो है अरेबिक। 6 एमसीक्यूज की बात करें, बाय प्रोफेशन अलामा इकबाल वॉज अ डैश बैरिस्टर थे वो, सही है, आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 7 एमसीक्यूज की बात करें, अलामा इकबाल डाइड इन डैश 9 ईयर्स बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सही है, ये तो आपको पता भी होगा। 8 एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं, सरोजनी निधु वॉज अ डैश, तो ये आपके पास इसके अंदर राइट आंसर क्या है, आपके पास जो है इसके अंदर पोइटस, आपके पास सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 9 एमसीक्यूज की मैं बात करूं, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी आर डैश, तो आपके पास राइट आंसर है कैपिलरीज, आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 10 एमसीक्यूज की मैं बात करूं, द चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्ट द डैश, तो आपके पास राइट आंसर जो है मसल सेल्स। देखो मैं यहाँ पर सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ जो है आपको राइट आंसर जो है डायरेक्ट बताऊंगा। हमारे पास 11 एमसीक्यूज है, द मलेरिया पैरासाइट अटैक्स द डैश, तो इसके अंदर जो आपके पास राइट आंसर जो है रेड ब्लड सेल्स। 12 एमसीक्यूज की मैं बात करूं, चिकनगुनिया पेशेंट यूजली हैव फीवर विद डैश, तो आपके पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 13 एमसीक्यूज की बात करें, वुमेन्स नेशन गार्ड कंसिस्टेड ऑफ डैश 3 बटालियंस, आपके पास जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे 14 एमसीक्यूज की बात करूं, बिल्किस ईदी वॉज अवॉर्डेड डैश हिलाला इम्तियाज, तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 15 एमसीक्यूज की बात करूं, शी वॉज द फाउंडिंग मैनेजर ऑफ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, आपके पास राइट आंसर जो है अनीता गुलाम अली, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 16 एमसीक्यूज की बात करूं, द गुड्डू बैराज वॉज पुट इनटू ऑपरेशन ऑन 14 फरवरी 1962, एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, आप लोगों को आंसर पहले से पता होगा। 17 एमसीक्यूज की बात करूं, गॉड की फीडर इज ऑन द डैश बैंक, तो आपके पास जो राइट आंसर है वो लेफ्ट बैंक, सही है। आगे हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 18 एमसीक्यूज इन लेंथ, द गुड्डू बैराज इज डैश, आपके पास जो है 1355 मीटर जो है राइट आंसर है। 19 एमसीक्यूज की बात करूं, द राइटर गाजी इज लिविंग इन डैश कराची, आपके पास जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इज डैश 320 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। आगे जो है आप सेक्शन बी पार्ट जो है इस पेपर का देख सकते हैं और इसको जो है एक दफा लास्ट दिन प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है, आपके एग्जाम के हवाले से ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करो, क्योंकि देखो ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि एक चीज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप अपने दोस्तों तक भी जो है उसको पहुंचाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज पूल फॉर मोर गेस्ट पेपर सोल्यूशन, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो उसको यार।